नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग वाला में। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे क्या होगा कि इसी प्रकार की और आने वाली वीडियोज भी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। दोस्तों बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2022 के बाद में। अभी बहुत बड़ी अपडेट है, आज की बहुत बड़ी अपडेट है कि मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को घर पे रोजगार अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब घर पे महिलाएं काम सकती है और उसके बदले में आपको कुछ वेतन भी मिलने वाला है। दोस्तों बात करने वाले हैं इसी योजना के बारे में, चलते हैं अपन। आज बात कर रहे हैं अपन मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के बारे में। तो सबसे पहले जो इनकी कंडीशन है इनकी, वो ये है कि राजस्थान में निवास करती हो, मतलब राजस्थान की मूल निवासी हो। जो भी महिला इसका फॉर्म भरना चाहती है वो राजस्थान का मूल निवासी हो, सबसे पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। आगे बात कर लेते हैं अपन इसकी। तो ये जो योजना है इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स है वो आपके सामने शेयर कर लेते हैं। योजना का नाम है राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना, वर्ष 2022 में लागू की जाएगी। योजना की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। लाभार्थी राजस्थान की महिलाएं, पुरुष इसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते, महिलाएं ही ओनली इसमें एलिजिबल है, महिलाएं ही इसका फॉर्म भर सकती है। आगे बात कर लेते हैं लाभ। महिलाओं को घर बैठे रोजगार के अवसर प्राप्त, मतलब घर पे बैठ के भी आप अपना रोजगार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उद्देश्य बात करें रोजगार प्रदान करना, राजस्थान सरकार का क्या उद्देश्य है, रोजगार देना, यही मेन उद्देश्य इसका रखा गया है। आधिकारिक जो वेबसाइट है जल्द ही लॉन्च की जाएगी, कुछ ही समय में लॉन्च की जाएगी, जैसे ही नवंबर लास्ट में इसकी जो वेबसाइट है वो लॉन्च की जाएगी। आगे बात कर लेते हैं आवेदन जो इनके होंगे वो ऑनलाइन आवेदन होंगे। राजस्थान केवल राजस्थान की महिलाएं इसके लिए एलिजिबल होगी। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन तो मैंने बताया कि जो इसकी वर्क फ्रॉम होम की में ओनली महिलाएं आवेदन कर सकती है और कम से कम इसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और इसके साथ में राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। तीन कंडीशन रखी गई है कि महिलाएं आवेदन कर सकती है, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, इसके अलावा कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन इसकी कि जो ये योजना है इसमें किन किन महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पहले इसमें शामिल किया जाएगा, पहले उनको लिया जाएगा। इसमें जो दिया गया है, विधवा महिलाएं हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो, दिव्यांग हो, हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उसको इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायरमेंट होंगे, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले। इसमें जो सबसे पहले लगेगा वो है आधार कार्ड। महिला का आधार कार्ड बना होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, मतलब मूल निवास का कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आयु से संबंधित आपकी 10th की मार्कशीट चल सकती है, ये नहीं है तो आपका पैन कार्ड जो भी आपके पास है, पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, ये होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो वर्तमान में क्या हो, चालू हो, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए। आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा, आपका आवेदन हमेशा जो ऑनलाइन फिल किया जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से विभाग में आपको जो वर्क फ्रॉम होम करना है, वो कौन कौन से विभाग के आपको कार्य मिलने वाले। सबसे पहले बात कर लेते हैं वित्त विभाग में मिलेगा, इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, विद्यालय एवं उच्च तकनीकी शिक्षा, कार्मिक विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, ये पांच विभाग दिए गए हैं। इस विभागों में आपको वर्क फ्रॉम होम का कार्य मिलेगा महिलाओं को, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे क्या होगा कि इसी प्रकार की और भी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।